आज मैं इफ्तार स्पेशल में लेकर आई हूँ क्रिस्पी थ्रेड चिकन। ये तो सभी को बेहद पसंद है, हम सभी जानते ही हैं। जिस स्टॉल पे अगर ये क्रिस्पी चिकन रहता है ना, उस पर ज़्यादा ही भीड़ लगी रहती है। तो आज हम बहुत ही आसान मेथड से घर पे ही इसे बनाएंगे। बहुत से लोग इसलिए इसे नहीं बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके जो लच्छे होते हैं ना, उसे अरेंज करने में उन्हें तकलीफ होती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर ये मज़ेदार क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और ये जो चिकन है मैंने चेस्ट वाला पोर्शन लिया है। आप चाहे तो थाई वाला भी ले सकते हैं। चिकन को पहले एक से दो पानी अच्छे से वॉश करके एक स्टैनर पे आप इसे रख लीजिएगा ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए, फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस तरह से लंबे टुकड़ों में ही मैंने कट कर लेना है। अगर आपके पास ऐसे छोटे टुकड़े हैं फिर भी परेशान ना हो, मैं आगे बताऊँगी कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए, हो सकता है तो आप इस तरह से लंबे टुकड़ों में ही इसे कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो चलिए मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर एक चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे, साथ में भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच, चाट मसाला पाउडर एक चम्मच के करीब, और गरम मसाला पाउडर ये भी एक चम्मच है। अब इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर दो चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में हम पेपरिका ऐड करेंगे यानी कि कूटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच के करीब, और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस या फिर आप विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने विनेगर एक चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर एक अंडा बस ऐड करेंगे, बस इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए, एक चम्मच मैंने और इसमें ऐड कर दिया है विनेगर। विनेगर से जो हमारे चिकन है ना, बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाते हैं। तो अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल ज़रूर से कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर जो भी चिकन के पीस है वो हम ऐड कर देंगे और इसे एक से डेढ़ घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। ये प्रोसेस आप रात को भी कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, और अगर आप मेरी तरह बना रहे हैं तो बस एक से डेढ़ घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट करेंगे। चिकन हमारा जब तक मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसके लच्छे यानी कि थ्रेड जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो इसे रखते हैं हम साइड पर। लच्छे तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और इसे इस तरह से पहले खोल लीजिएगा, और खोलने के बाद हम इस तरह से इसे अरेंज करेंगे, और नाइफ की हेल्प से देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि एक बहुत ही बारीक बारीक जो पट्टियाँ हैं ना वो निकल कर आ जाएगी। आप इसे बनवाना बेहद आसान है, आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सभी पट्टी को इस तरह से कट कर लूँगी। आप चाहे तो ये जो पट्टियाँ हैं घर पे भी आसानी से बना सकते हैं मैदे का इस्तेमाल करके। हम जैसे समोसा बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही हमें रोटियाँ को तैयार कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से आए। तो इसे मिक्स कर लिया, अब रखते हैं साइड पर। चिकन के पीस हम देख लेते हैं, ये एक घंटे से ज़्यादा ही हो चुका है इसे मैरिनेट होते हुए। तो अब हम इसकी जो पीसीस है ना उसका बहुत ही आसान मैं तरीका बताऊंगी। एक इस तरह से हम स्टिक ले लेंगे, और स्टिक के अंदर हम चिकन के पीस को इस तरह से अरेंज कर लेंगे ताकि इसे हैंडल करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर आप पहली बार भी इसे बनाएंगे ना तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। स्टिक के साथ हमारी जो चिकन है ना वो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है, और इस तरह से हम बनाकर रख लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दूसरा पीस भी बता दूं। अगर आपके चिकन के पीस छोटे भी हैं ना, तब आप इस स्टिक में दोनों छोटे चिकन के पीस को आप आराम से अरेंज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपको लंबे पीस ही रखना है। ये देखिए, अब मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने जो थ्रेड हमने कट किए थे यानी कि इसके जो लच्छे हमने बनाए थे ना, बस इसके ऊपर हम रख लेना है, और इसके ऊपर हम जितने लच्छे ऐड कर सकते हैं बस इसमें डाल देंगे और इस तरह से दबा देंगे। दबाने से ये बहुत अच्छे से लच्छे जो है ना आपस में चिपक जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं आती। हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंडे की जो चिकनाहट है उससे ये लच्छे को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, और हमारे लच्छे जो है ना बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं और अच्छे बनते हैं।
ये देखिए स्टिक के हेल्प से बहुत ही अच्छे से ये पकड़ में आते हैं। और अगर आप बिना स्टिक के, अगर आप कई बार बना रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इसी तरह से स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा, ताकि लच्छे बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी लच्छे को बनाकर तैयार कर लिया है। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं एक जिप-जॉप बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में भरकर। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए देखिए ऑयल जो है ना हमारे मीडियम ही हॉट गर्म होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा तेज़ गर्म हमें नहीं करना है। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा तो जो लच्छे हैं ना वो जल्दी से कुक हो जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि अंदर का चिकन है उसे भी हमें कुक करना है, इसलिए आँच की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है। तो बस इसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आप बिल्कुल भी टच ना करें। 1 से 2 मिनट के बाद ही इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए इस तरह से अलट पलट कर हमें अच्छे से इसे कुक कर लेना है। इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का वक्त लग जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से कुक होते हैं और टेस्ट में भी उतने ही लाजवाब है। ये देखिए अलट पलट कर मैंने इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक, या फिर इसका कलर जो है ना सुनहरा होने तक मैंने इसे कुक कर लिया है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। जब मैंने इसे पहली बार बनाया था ना तो ये सभी को बेहद पसंद आया था, तब मैंने बिना स्टिक का इस्तेमाल करके इसे बनाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें स्टिक अगर हम अरेंज कर देंगे ना तो इसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बनकर रेडी है, तो चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा थ्रेड चिकन, या फिर आप इसे लच्छा चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे इफ्तार में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और इसे बना पाएंगे। हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला पाउडर, जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। और चलिए अब हम इसे तोड़ के भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टिक जो है ना उसे रिमूव कर लेंगे, बेहद आसान है इसे रिमूव करना, और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंदर का चिकन जो है ना बहुत अच्छे से कुक हुआ है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे देखकर चिकन लवर्स को बस एक ही गाना याद आएगा कि तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ों को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चिकन थ्रेड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इसी तरह की नई नई रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।